आज हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक न्यू टॉपिक है, सबसे पहली बार नाइन्थ में ये वर्ड इंट्रोड्यूस होता है। आपने पहले की वीडियोस में देखा कि स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है। जैसे सपोज कोई भी व्हीकल जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये हम स्पीड की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट होता है या तो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर किलोमीटर पर आवर। ये हमने देखा था, ये हो गई स्पीड या फिर वेलोसिटी की बात। अब अगर जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन मतलब होता है हमारी स्पीड किस स्पीड से चेंज हो रही है। जैसे कि सपोज हम पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, फिर हमने अपना एक्सीलेटर घुमाया, हमने अपनी गाड़ी का बाइक का एक्सीलेटर घुमाया और फिर हमारी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने और ज़्यादा तेज करी गाड़ी, फिर हमारी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी स्पीड चेंज होती है तो एक्सीलरेशन होता है। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी, अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से जाती जाएगी, सपोज बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती जा रही है, तो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मींस चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज होगी मतलब एक्सीलरेशन होगा। अब स्पीड दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो स्पीड हम बढ़ा सकते हैं या हम स्पीड कम कर सकते हैं। अगर स्पीड बढ़ती है तो इट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, अगर स्पीड घटती है तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा गया है। सो, अगर स्पीड चेंज होगी तभी एक्सीलरेशन होगा, ये आपको बात याद रखनी है। अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सीलरेशन जीरो। स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि स्पीड चेंज तो हो रही है पर स्पीड चेंज होने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर 1 सेकेंड के लिए कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहा है और फिर नेक्स्ट सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, उसके नेक्स्ट सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। सो उसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जहां पे रेट वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है अपॉन टाइम। तो दिस इज स्पीड अपॉन टाइम और वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो स्पीड की यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड और अपॉन एक बार और सेकेंड। सो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ये आप यूनिट याद रखो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, कि अगर स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब हर सेकेंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, जैसे अगर आपकी 1 सेकेंड आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाया, फिर नेक्स्ट आपने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाया नेक्स्ट सेकेंड में, फिर आप 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहे हो, तो इसकी स्पीड पहले 10 बढ़ी हर सेकेंड में, फिर उसके बाद 5 कम हो रही है, फिर अगर आपने फिर 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाया तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है और अलग अलग अमाउंट से बढ़ रही है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो हाउ विल यू डिफाइन इट नाउ, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से दैट द बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द स्पीड चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
we say that the body is in non-uniform acceleration. So this you have to remember. Now we'll see how the graph for acceleration will look like.